हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग, वो भी बिगनर्स के लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने ये देखिए कलर्स लिए हुए हैं। पहले मैं ग्रीन कलर लूँगी, उसको थोड़ा थोड़ा इसके डॉट्स लगाते जाएंगे। ये बहुत ही इजी है बिगनर्स के लिए, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैंने ग्रीन डॉट्स ऐसे लगा ली हैं। तो अब जो सेकेंड कलर है वो मैं लूँगी यहाँ पे येलो कलर, जिस चाहे आप येलो ले सकते हैं या फिर आप गोल्डन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल्डन लिया है, आप येलो भी ले सकते हैं इसकी जगह, लेकिन मुझे गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ऐसे ही गोल्डन ले लिया। और इसको भी ऐसे ही टैप टैप करके हमने जैसे डॉट्स लगा लेनी है। फिर मैंने थर्ड कलर लिया है पिंक कलर, इसकी भी मैंने ऐसे ही डॉट्स लगा ली हैं। और जो मेन चीज़ है जिसके साथ हम जो है वर्क करेंगे, वो मैंने अब लिया है स्टील बोन। ये देखिए स्टील बोन लिया है, ये फ्रेश स्टील बोन है, यूज़ नहीं हुआ हुआ। तो इसको ऐसे हम टैप टैप करके ये देखिए ऐसे कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। तीनों पे हम ऐसे ही करेंगे, अब ये गोल्डन पे, फिर हम पिंक पे भी ऐसे ही करेंगे। और फिर हम इसको ट्री लुक देंगे। ये देखिए इसके लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है, और इसे हम मैंने पहले वन लिख कर फिर इसको हम शेप देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ट्री की तरह लगने लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको ट्री लुक दे दीजिए। ये देखिए ट्री लुक देने के लिए अब जैसे हम तीनों पे ट्री लुक देंगे, मैंने ग्रीन पर दे दी है। अब हम जैसे ये देखिए अब हम गोल्डन पर भी देंगे। ये देखिए प्रोसीजर वही है, पहले वन लिख कर ऐसे हम चाहे वी फॉर वैन लिख कर वन डाल लें, चाहे वन लिख कर वी फॉर वैन ऐसे चाहे डाल लें, कुछ भी कर लें इस तरह से। ये देखिए ट्री लुक आ गई है इसकी। अब हम इस पर देंगे वाटर, नीचे हम इसकी वाटर शेडिंग करेंगे। अब ये देखिए वाटर के लिए मैंने अब स्काई ब्लू कलर लिया है, इसके मैंने ऐसे ऐसे ये देखिए रफ सा ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है जिनको ब्रश भी नहीं चलाना आता वो। ये देखिए मैं जानबूझकर ऐसे चला कर दिखा रही हूँ ताकि आप भी इस तरह से कर सकें। ये मैं रफ रफ कर रही हूँ और ऐसे करके ये देखिए। और सपोज कीजिए अब ये देखिए इसको लेकिन नेचुरल लुक देने के लिए, पहले मैंने ऐसे पहले कलर ले लिया था ना, अब मैं ये कलर नहीं ले रही हूँ, अब मैं सिंपल वाटर ले रही हूँ। सिंपल वाटर में डिप करके इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। ये जो हमने कलर लगाया था ना वो रफ रफ सा, अब इसको नेचुरल अगर शेड में आप लुक देना चाहते हो तो अब इसको आप वाटर के साथ, सिंपल वाटर के साथ स्प्रेड करें। ये देखिए मैं स्प्रेड कर रही हूँ ये सिंपल वाटर के साथ। ये देखिए ये बिल्कुल आपको नेचुरली वाटर ही लगने लग जाएगा। ये देखना आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आप प्योर जो है कलरिंग में वाटर कलर यूज़ कर लेते हैं ना स्काई ब्लू, तो वो ऐसे लुक नहीं देता जितना ये वाटर के साथ स्प्रेडिंग करके हो जाता है ना, वो लुक देता है। ये देखिए मैं इसको सिंपल वाटर के साथ ही कर रही हूँ अब स्प्रेड। ये देखिए इसको बस आपने ऐसे ही करना है। ये देखिए मैं जैसे कर रही हूँ। अब इसके बाद हम इस पर बनाएंगे बोट। ये देखिए सेलिंग बोट जो कि एक पर्सन कर रहा है। ये देखिए अब इस हम यहाँ पे एक पर्सन बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए आप इस तरह इसको पर्सन की लुक दे सकते हैं। ये देखिए अब उसके बाद में ये मैंने चप्पू भी पकड़ा दिया। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।